केंद्रीय बजट आए के बाद जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी के का प्रतिक्रिया है आवा देखन। एक लोक लुभावन बजट है जो पूर्णतः चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पेश किया गया है। हर वर्ग को खुश करने के लिए पूरी कोशिश की गई है। मिडिल क्लास को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया। किसानों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए और GST में भी कमी करने के लिए, इस तरह से लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। पर अब चुनाव इतना नज़दीक है कि इसके ज़मीन पर उतरते उतरते चुनाव आ जाएगा और इसका कितना इम्पैक्ट या असर ज़मीनी स्तर पर वोटर्स पर पड़ेगा, ये बहुत ही संदेहास्पद है। क्योंकि जब तक वोटर को मिलता नहीं है वो विश्वास नहीं करता, घोषणा पर विश्वास नहीं करता। और घोषणाएं तो इसमें सब हो गई हैं, पर मेरा अपना ये मानना है कि ये ज़मीन पर नहीं उतर पाएंगी और इसका जो लाभ सोच रही है भाजपा की उसको मिलेगा वो नहीं मिलेगा। किसानों को खुश करने के लिए, यहाँ तक कि मजदूरों को खुश करने के लिए, कृषि मजदूरों को पूरी कोशिश की गई है, पर ये कोशिश उतनी कामयाब नहीं होगी क्योंकि चुनाव इतनी जल्दी आ जाएगा, थोड़े दिनों में आचार संहिता लग जाएगी और इसका जो सही लाभ है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा। और जब तक ज़मीन तक नहीं पहुंचता तब तक वोटर विश्वास नहीं करता, घोषणाओं पर विश्वास नहीं करता। मतलब जब भी मात्र जुमला बन के रह जाएगा, जुमला बन के रह जाएगा या आश्वासन बन के या घोषणा बन के रह जाएगा, पर रह जाएगा।